हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है एंड एज ए पेरेंट्स सर्दियों में हमें सबसे ज़्यादा यही टेंशन होती है कि हम हमारे बेबीज़ का ध्यान कैसे रखें। तो आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगी एंड आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो कि मैं फॉलो करती हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चे को अच्छे से पानी पिलाना। सर्दियों में क्या होता है, ठंड की वजह से बेबी अच्छे से पानी नहीं पीता है, जितनी क्वांटिटी में उनको पीना चाहिए नहीं पीते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि वो अच्छी क्वांटिटी में पानी पिए जिससे कि उनका बॉडी हाइड्रेटेड रहे। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब बेबी सुबह उठता है तो नॉर्मली हम पानी पिलाते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए, जैसे जितना बेबी पी सके उतना गुनगुना कर दीजिए, जिससे कि क्या होता है उसको बॉडी में थोड़ा सा वार्म फील हो एंड वो गर्म पानी पीने से क्या होता है बॉडी के सब टॉक्सिन भी फ्लश आउट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड अगर आपका बेबी एक साल से बड़ा है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला के भी पिला सकते हैं। शहद सर्दियों में बहुत अच्छा है एंड बेबी को गले के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है जैसे कि कफ है, हिचकिचाहट है, ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं तो वो उसमें भी बहुत राहत देता है, तो आप उसमें शहद भी मिला सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे बेबी के बॉडी मसाज की। सर्दियों में बॉडी मसाज एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। बेबी को बॉडी मसाज देने से क्या होता है उसके स्किन के पोर्स ओपन होते हैं एंड उसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ड्राइनेस नहीं रहती है एंड बेबी के बॉडी में गर्मी बनी रहती है। तो एक बॉडी मसाज आप कोई भी ऑयल से दे दीजिए, वो बहुत अच्छा है सर्दियों में। एंड हो सके तो नहाने के आधे घंटे पहले बॉडी मसाज दे दीजिए जिससे कि वो नहाने के बाद उसको ऑयली फील ना हो। और इफ़ पॉसिबल ये बॉडी मसाज देने के बाद एंड नहाने से पहले का जो बीच का टाइम है उसमें आप उसको सन बाथ दीजिए, जहाँ सनलाइट आ रही है वहाँ बच्चे को बिठाइए, कुछ खेल रहा है, वॉक कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है थोड़ा टाइम 10-15 मिनट उसको सनलाइट में बिठाइए जिससे कि उसके स्किन के पोर्स ओपन हो, वो ऑयल एब्जॉर्ब कर सके। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बेबी के स्किन के लिए। फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं कि बच्चों को सर्दियों में कैसे नहलाना चाहिए। नॉर्मली हम ऐसे सोचते हैं कि सर्दियां हैं, बहुत ठंड है, तो हम पानी थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा गर्म कर ले जिससे कि उसकी बॉडी को अच्छी गर्मी मिले, लेकिन ये एक बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। सर्दियों में आप जब भी बेबी को नहलाइए आप नॉर्मली जो भी जैसे टेम्परेचर वाले वाटर से नहलाते हैं वही नहलाइए, गुनगुना पानी, क्योंकि आप अगर टेम्परेचर बढ़ा के उसको ज़्यादा गर्म पानी से नहलाएंगे तो बेबी के स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर रहता है वो भी चला जाता है और उनकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो प्लीज़ कभी भी ऐसा मत कीजिए, ज़्यादा टेम्परेचर वाले वाटर से बेबी को नहलाना अच्छा नहीं है। एंड एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि सर्दियों में ज़्यादा ठंड होने की वजह से बेबीज़ को नहलाना स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे करने से उनकी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो रेगुलर नहलाइए, नॉर्मल वाटर जो भी आप गुनगुना करके नहलाते हैं वैसे ही नहलाइए, ज़्यादा गर्म पानी करके मत नहलाइए। नाउ फिफ्थ पॉइंट, बच्चों को नहलाने के बाद आप एक अच्छे से सॉफ्ट टॉवल से बेबी के स्किन को टैप करके ड्राई कीजिए। आप स्किन को घिस के बिल्कुल भी ड्राई ना कीजिए जिससे कि उसकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो सकती है, तो आप उसको टैप ड्राई कर दीजिए। उसके बाद तुरंत ही एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए। कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाना है दैट्स अप टू यू, आपके बेबी को जो भी सूट कर रहा है आप वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप जैसे ही उसको टैप ड्राई देते हैं उसके बाद तुरंत ही मॉइस्चराइज़र लगाइए जिससे कि वो स्किन का नेचुरल मॉइस्चर लॉक कर सके एंड सर्दियों की वजह से उसकी स्किन पे ड्राइनेस ना हो। नाउ सिक्स पॉइंट में क्या बात करेंगे कि बेबी को हमें ओवर ड्रेस नहीं करना है। उसको नहलाने के बाद आप ऐसे कपड़े पहनाइए जिससे कि उसकी स्किन ब्रीथ कर सके। नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादा सर्दी है, ठंड है, तो हम उसको एक बड़ा सा स्वेटर, मोटा सा स्वेटर डाल देते हैं और क्या होता है उसकी वजह से कि पूरे दिन में टेम्परेचर अलग अलग होता है एंड हमने एक मोटा सा स्वेटर डाल दिया है बेबी के बॉडी पे तो उसको गर्मी हो सकती है और वो मोटा स्वेटर होने की वजह से स्किन के ऊपर रैशेस हो सकते हैं, उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो मेक श्योर कि आप उसको समय के हिसाब से कपड़े पहनाइए एंड मोटा सा एक स्वेटर डाल के पूरा दिन मत डाल के रखे बेबी के ऊपर, वो उसके स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बेबी के स्किन को ब्रीथ करने के लिए उसको पतले लेयरिंग वाले कपड़े पहनाना चाहिए। ना वो ये लेयरिंग वाले कपड़े क्या होते हैं, तो नॉर्मली हमें क्या करना है, बेबी को हम नॉर्मल कोई भी टी शर्ट या शर्ट पहना ले, उसके ऊपर आप लॉन्ग स्लीव वाला कोई भी जैकेट, पतला सा जैकेट या स्वेट शर्ट या लॉन्ग स्लीव वाला दूसरा शर्ट पहना सकते हैं। तो ठंडी की वजह से उसको डबल लेयरिंग हो गया, तो उसको ठंडी से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। एंड जब दोपहर के टाइम पे उसका टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आप ऊपर का लेयर निकाल सकते हैं, बेबी को कंफर्टेबल कपड़े में रख सकते हैं और उसकी स्किन को भी ब्रीथ करने का मौका मिलता है। तो ऐसे आप लेयर करके बेबी को कपड़े पहनाइए, पूरा एक ही मोटा सा कपड़ा ना पहनाएं। नाउ 7th पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपका बेबी दिन में 1 या 2 या 3 बार जब भी मिल्क पीता है, तो क्या करें आप, वो गुनगुने मिल्क में चुटकी भर हल्दी डाल के दे। एवरी टाइम जब भी दे थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा सा हल्दी जाएगा तो उसके टेस्ट में कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन डेली हल्दी का कंजप्शन होने से क्या होगा कि बेबी को जब भी सर्दी या ज़ुकाम ऐसी कुछ भी चीज़ें होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, उसमें उससे बहुत राहत मिलती है। तो ऐसा ना करें। हम क्या करते हैं नॉर्मली कि जब बेबी को सर्दी होती है, ज़ुकाम होता है, तो हम उसको हल्दी वाला दूध पिलाते हैं ये, लेकिन ऐसा वही टाइम पे करना ज़रूरी नहीं है। डेली थोड़ा थोड़ा पिंच हल्दी दूध में डाल के दीजिए, जिससे कि थ्रू आउट ये सर्दियों में बेबी को अच्छा सा हल्दी का वो मिले एंड उससे उसको ज़ुकाम या सर्दी में भी राहत मिले। नाउ 8 नंबर पे हम बात करेंगे कि बेबीज़ को हम विंटर में वेजीज़ कैसे दें। तो क्या होता है, विंटर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अवेलेबल हैं, तो मैक्सिमम बेबी को जो पसंद है वो सीजनल फ्रूट्स खिलाइए, वेजिटेबल्स खिलाइए। एंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप बेबीज़ को उनको जो जो भी वेजिटेबल्स पसंद है उससे उसका एक सूप बना के उनकी डेली डाइट में डाल दीजिए, जैसे कि कैरेट है, बीट रूट है या कैबेज है या फिर टोमेटो है। ये सब चीज़ें हैं जिसका आप डेली एक अलग अलग सूप बना दीजिए, आपके बेबी को जैसे भी टेस्ट वाला पसंद हो, और डेली स्नैक्स वाले टाइम पे आप इसको एक ऑप्शन की तरह दे सकते हैं, जिससे कि क्या होता है बेबी के शरीर में एनर्जी बनी रहती है और ये फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट से जो उनको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने चाहिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलने चाहिए, सब मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप ये उनके डेली डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ 9th एंड सबसे लास्ट पॉइंट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे कि सर्दियों में बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, तो आप बच्चों को कुछ गुड हैबिट सिखाइए, जैसे कि अगर वो पब्लिक में है, बाहर है, बाज़ार में है या स्कूल में है, अगर आसपास कोई इंसान स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो आप उनको सिखाइए कि वो टाइम पे वो अपना नाक एंड माउथ कवर कर ले। एंड अगर उसको खुद को भी कभी स्नीजिंग या कफिंग होती है, दैट टाइम ऑल्सो उनको ये नोज़ एंड माउथ कवर करने का एक अच्छा हैबिट डालिए, जिससे कि क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। एंड दूसरी बात कि अगर आपका बच्चा बाहर खेलने जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो उनको ये सिखाइए कि जब भी आप स्कूल से वापस आए या बाहर से खेल के वापस आए, तुरंत ही अपने हैंड वॉश करें, प्रॉपर थरली हैंड वॉश करें, एंड देन ओनली उसके बाद ही आप कुछ भी चीज़ हाथ से पकड़ के खाएं। ये एक अच्छी हैबिट्स है जो हमें बच्चों को सर्दियों में ही नहीं लेकिन उनके थ्रू आउट रूटीन में डालना है कि ये सब चीज़ें करें, तो इन्फेक्शन होने के थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ बहुत ही बेसिक टिप्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। यही सब चीज़ें मैं विंटर में अपने रूटीन में फॉलो करने की ट्राई करती हूँ। अगर आपको भी ये टिप्स फॉलो करनी है तो डेफिनेटली करें, ये डेफिनेटली आपको यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेड या विंटर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, फर्स्ट टाइम मॉम को। एंड सब्सक्राइब करने से एंड बेल आइकन पे क्लिक करने से आपको ऐसे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। हम सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है एज अ फर्स्ट टाइम मॉम फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम हैंडल फर्स्ट टाइम मॉम 2018, आप उधर भी फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, टिल देन बाय बाय।